नमस्कार दोस्तों, SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बताने की ज़रूरत नहीं कि आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि आज जो है 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, और आज के दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज जो है हमारा देश जो है आज 75वां देश का जो एक आज़ादी का जो एक 75वां वर्षगांठ है, इसको जो है हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे जो है हम लोग मना रहे हैं। और काफ़ी देशवासियों को जो है काफ़ी उत्साह है इस महापर्व पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। एक तरफ तो 15 अगस्त का माहौल है, और दूसरी ओर जिस तरीके से जो एक इन्वायरमेंट है, जो एक क्लाइमेट जिस तरीके का बना हुआ है, काफ़ी बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छा जो है एक जो क्लाइमेट और इंडिपेंडेंस डे का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और इसको लेकर लोगों में बहुत सारे उत्साह हैं, बहुत सारे एक्साइटमेंट हैं, और लोग जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। आज एक्चुअली ऐसा ये हुआ कि आज जो मेरे क्षेत्र का जो एक स्कूल है, सेंट पॉल पब्लिक स्कूल, जहाँ मेरे घर के कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ पे आज गया और काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वगैरह जो है उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, और जिस तरीके से बच्चों ने जो एक उत्साह दिखाया, जो एक्साइटमेंट दिखाया, वो बहुत ही सराहनीय है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को, आप जो सेलिब्रेशन हुआ है जो 15 अगस्त का, उसको आप पहले थोड़ी बहुत पिक्चर्स, थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें और करूँगा। I'm
हुआ है। मुझे गर्व है उस बेटे की माँ होने का जो देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को चैन की नींद सुनाने के लिए खुद रात भर जागा। एक कितने दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से यहाँ के बच्चों ने जिस तरीके से अपना एक परफॉर्मेंस दिया और जिस तरीके से 15 अगस्त को एक हर्षोल्लास के साथ एक एक्साइटमेंट के साथ उन लोगों ने सेलिब्रेट किया, वो बहुत ही सराहनीय है। बस यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है उसको यादगार बनाएं और पूरे देशवासियों के साथ इसको जो है आप सेलिब्रेट करें। यही हमारी जो एक सोच होनी चाहिए कि जो हम भारतीय हैं और जिस तरीके से हम लोगों को कैसे मिलजुल कर रहना है और कैसे हमें जो है एक साथ एकजुट बना कर रहना है और कैसे हम लोगों को हमारी जो आपस की जो एक नाइत्तफाकी है उसको जो है ख़त्म करके हमको जो है हमेशा अपने वतन के बारे में सोचना है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए और जय हिंद जय भारत।